आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजादपुर मंडी में अवैध पार्किंग के कारण लगता है लंबा जाम। लोग अपने वाहनों को अवैध रूप से खड़ा कर चले जाते हैं, जिस कारण मंडी में लगता है जाम। लोगों को होती है खासी दिक्कतें। आजादपुर मंडी एशिया की सबसे बड़ी मंडी है, जहां पर हर रोज हजारों लोग आते हैं। लोग अपने वाहनों को इधर उधर खड़ा करके निकल जाते हैं, जिस कारण लंबा जाम लगता है। जाम के कारण लोग दो दो तीन तीन घंटे खड़े रहते हैं। यहाँ तक कि पैदल आने जाने वाले लोग भी इस जाम के कारण निकल नहीं पाते हैं। इस बाबत कई बार प्रशासन से गुहार लगाई गई, लेकिन प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं आजादपुर मंडी की शेड नंबर 13 के सामने किस कदर लोगों ने अपने वाहन अवैध रूप से खड़े कर रखे हैं। वहीं दूसरी तरफ बासाकोर भी अपनी रैलियां लगा कर रखते हैं, जिसके कारण जाम लगता है। सेट नंबर 13 की आरती का कहना है कि किम आशाखोर अपने रेड यहाँ सड़क के बीच में लगा कर रखते हैं। साथ ही साथ आजादपुर मंडी में आने जाने वाले लोग भी अपने वाहनों को इधर उधर पार्किंग पर निकल जाते हैं, जिस कारण जाम लगता है। वहीं दूसरी तरफ मासाखोरों का कहना है कि APMC के अधिकारी या दिल्ली सरकार द्वारा हमें एक जगह दे दी जाए, जिससे हम सड़क पर ना खड़े हों और हम वहाँ से अपनी आजीविका चला सके। दिल्ली से न्यूज 9 भारत के लिए संजय सिंह की रिपोर्ट। क्या नाम है सर? इमरान। इमरान जी, यहाँ जो लोगों कह रहे हैं, कई बार शिकायत हुआ कि 13 नंबर शेड के सामने, सुनिए मेरी बात, गाड़ियाँ किसी की भी आती है हम खुद लगवा देते हैं, कोई मना नहीं कर सकता। आड़ती की गाड़ी जब फड़ पर आएगी तो कोई मना ही नहीं कर सकता। यहाँ से वहाँ तक जब गाड़ियाँ लगती, लोग अपना सामान हटा लेते हैं और गाड़ियाँ लग जाती है। ये सरासर बात गलत है कि किसी भी आड़ती की जो है गाड़ी नहीं लगने दी या किसी को परेशान कर रहे, ऐसा कुछ नहीं है। और रही बात जाम की, जाम तो पूरी मंडी में हर जगह मिलेगा, आप कहीं भी घूम लो, पूरी मंडी में हर जगह मिलता है जाम, तो कहीं भी चले जाओ। क्या लग रहा है जो शिकायत करता है, जो कंप्लेंट कर रहे हैं कि ये समस्या काफ़ी टाइम से चलता है, ये समस्या का समाधान? देखो, समस्या कुछ नहीं, अभी गाड़ी आ गई अब्दुल्ला भाई की, हम फौरन यहाँ से जो अपना सामान डालें उनकी गाड़ी लग जाएगी, एडजस्ट हो जाता है उसमें। तो ये सर, ये रोड तो लगाने के नहीं है ना सर? रोड भी तो नहीं, मंडी है, मंडी में तो रोड बना बेगोगे और कहाँ बेगोगे बताओ, जो फड़ पे जगह है नहीं यहाँ। और अगर जो है मंडी समिति को या गवर्नमेंट को इतनी फिक्र है मासाखोरों की, सभी अपने पेट के लिए कर रहे हैं, गरीब आदमी है, तो कोई एक शेड इशू उसके जो अलॉट कराया जाए मासाखोरों के लिए, या कोई जगह ऐसी दी जाए कि मासाखोर भाई यहाँ बेच लो। सभी मंडी में कोई रिक्शे वाला है, साइकिल वाला है, कोई व्यापारी है, आड़ती है, बड़ा आदमी छोटा आदमी सभी अपना जो है जीविका चला रहे हैं, अपना पैसा कमाकर, तो सभी के लिए सुविधा होनी चाहिए। और मासाखोर भी आड़ती का ही तो माल बेचते हैं, अगर मासाखोर ना हो तो आड़ती कैसे बेच लेगा इतना माल, बताओ आप। तो क्या लग रहा है कि आप लोग समस्या जो बहुत है मासाखोर? एक बार अपना परिचय दें। मैं राजू कोहली, जाटपुर सब्जी मंडी से। सर, सर एशिया का सबसे बड़ी मंडी आजादपुर है, 13 नंबर शेड के साथ ही अवैध पार्किंग लगा रखा है, क्या है पूरा मामला? वो अवैध पार्किंग नहीं है, वो कुछ चंद माशागोर जो हैं वो ऑल ओवर दिल्ली मंडी से माल लेके वहाँ रोड के ऊपर लगाते हैं। और मुझे लगता है इसके अंदर APMC को एक्शन लेना चाहिए कि अनऑथराइज और ये लोग बैठे हुए हैं बिना किसी मतलब कि अथॉरिटी के, बैठे हुए ज़बरदस्ती इन्होंने कब्जा कर रखा है। और रोड पे जो ट्रक बैक होकर लगते हैं उनको भी नहीं लगने देते ये लोग, कोई भी लोडिंग अनलोडिंग के लिए वो शेड है उसको भी नहीं यूज़ करने देते, तो ये तो ज़बरदस्ती से बैठे हुए हैं वहाँ पर। वहाँ का व्यापारी के कहना है कि हमारे मासाखोर गाड़ी में भी लगने बहुत दिक्कत होती है, बाकी APMC का अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। मेरी नॉलेज में जिस तरीके से मैं काफ़ी दिनों से APMC चेयरमैन और सेक्रेटरी साहब से मिला हूँ, उनकी नॉलेज में मुझे लगता नहीं होगा। लेकिन मैं ये भी कहूँगा नीचे लेवल के ऊपर कोई अफसर मिली भगत से वो लगा रहे होंगे, अदरवाइज अगर उनकी नॉलेज में ये बात आपके माध्यम से जाती है तो इमीडिएट सेक्रेटरी साहब और चेयरमैन साहब इस पर एक्शन लेंगे और उस जगह को खाली कराएंगे। मेरे हिसाब से तो APMC की बगैर परमिशन के कोई यहाँ पर एक रेडी भी नहीं लग सकती इसके ऊपर आपके माध्यम। क्या नाम है सर? बाबूलाल चौहान नाम है। बाबूलाल जी, क्या समस्या हो रही है 13 नंबर सेट के आगे? ये सर, रोडों पर जाम रहता है हमेशा, एक तरफ रिक्शे वाले खड़े हो जाते हैं, दूसरी तरफ मोटरसाइकिल वाले खड़े हो जाते हैं, प्लस रेट पर रोड पर माल बिकता है। क्या कितने समय से ये लग रहा है? ये तो काफ़ी 10 साल, 12 साल, 15 साल हो गया ये सब, इसकी समस्या थोड़ी नहीं हो, खत्म नहीं हो पाएगी ये तो समस्या। क्या लग रहा है APMC के अधिकारी का इस मामले में संज्ञान नहीं ले पाते हैं? ये APMC के अधिकारी क्या कि उनको उच्च ऊपर से आदेश है तो लगाते हैं लोग अपना। इससे कितने समस्या हो जाती है? रोड पर जाम लग जाता है, दो दो तीन तीन चार चार पाँच पाँच घंटे तक जाम नहीं खुलता है,
ये समस्या, गाड़ियों का आना जाना, आवागमन कम होता है, आदमी पैदल नहीं निकल पाता इसमें से। क्या लग रहा है इसमें प्रशासन को कोई नजर नहीं आ रहा है? प्रशासन तो पहले से ही गहरी नींद में सोए रहते हैं, अब उसमें जगाने की हमसे क्या जरूरत है कि हम कैसे जगाएं इनको। तो आप एपीएमसी के लिए क्या कहना चाहते हैं कि इस समस्या का समाधान करें या ना? एपीएमसी तो चाहती तो कब की समस्या का समाधान होती, लेकिन उनके खुद ही नहीं, जो इनके बड़े बड़े अधिकारी खुद ही ऊपर से आदेश रहता तो अपना आते घूम के चले जाते हैं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।